ओके गाइस, तो इसके नए शॉकर आ गए हैं। हाँ दबा, देखो इसको दबाते हैं तो ये ऊपर भी नहीं आ रहा। सो गाइस, हियर इज द न्यू लाइट। सो पीपल, फाइनली LEDs इंस्टॉल हो गई हैं। अब मैं इसकी हाई बीम कर रहा हूँ, ये देखो ये हाई बीम है। वैसे पहले इसमें ये लगे हुए थे Alpine के कोएक्सल। What's up people, welcome back to the channel, welcome back to another vlog. So guys, this is going to be on my Micra. तो Micra जब ठुकी थी वो आपने वीडियो देखा ही होगा। उसके बाद से ना कुछ इसमें मेरे को मॉड्स कराने थे, कुछ चेंजेस कराने थे, जैसे इसकी विंडशील्ड चेंज होनी है एंड पीछे की टेल लाइट टूटी है वो चेंज होनी है और भी एक दो चीज़ें हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी हेडलाइट से, मतलब इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, वैसे वो सब भी होगा तो बट ये बनेगी पार्ट्स में। तो आज हम कर रहे हैं इसमें हेडलाइट के बल्ब चेंज। तो अभी हेलोजन लगे हुए हैं और इसमें हम डाल रहे हैं LED बल्ब्स। तो LED बल्ब लगाते हैं और जो पार्किंग बल्ब हैं वो तो मेरे पास पड़े हुए हैं तो वो लगाते हैं और फिर आपको एक बार दिखा दूंगा। तो मैंने वैसे यार हेलोजन का आउटपुट सड़क पे बनाया नहीं, बट एनीवेज अब LED लग जाएंगे तो उसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूंगा। तो एक तरफ तो लग चुका है, वो आपको जला कर दिखाता हूँ, दूसरी तरफ अभी लगना है। सो पीपल, हियर इज द Micra और आपको इधर लग गया है राइट में, वो आपको दिखा देता हूँ, और लेफ्ट में अभी हेलोजन ही है। अब ये देख लो, ये LED है और उधर लेफ्ट में हेलोजन है। तो LED तो साफ दिख रहा है आउटपुट, हेलोजन का नहीं दिख रहा है सामने से, अगर आपको यकीन ना आ रहा हो। ये देखो LED एंड हेलोजन। तो लाइटें वैसे तो बहुत गंदी हुई हैं, ट्राई करेंगे इसको बाद में बफ करा लें या कुछ करें, बट फॉर नाउ सिर्फ बल्ब चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द LED वी आर इंस्टॉलिंग, ड्रिवन की, ठीक है, ड्रिवन लगा रहे हैं। तो एक एरी साइड की लग गई है, दूसरी ये रही, ये रही। सो पीपल, फाइनली LEDs इंस्टॉल हो गई हैं और इसके पार्किंग के बल्ब भी मैंने चेंज कर दिए हैं। पार्किंग के देखो ये लगा दिए हैं और LEDs भी लग गई हैं। फिलहाल दिस इज हाउ द आउटपुट इज कमिंग एंड ये हाई बीम है, बट असली आउटपुट तो यार बाहर निकल के पता लगेगा, यहाँ पे तो मुझे भी स्कैटर सा लग रहा है। बाकी नेक्स्ट प्लान इज विंडशील्ड, उसके नीचे भी इसमें प्रोजेक्टर लगवाने हैं। 2 days later. तो गाइज ये अपडेट है 2 दिन बाद का, जिस दिन LED लगाई थी। ऑब्वियसली मैंने अभी तक आपको उसका आउटपुट नहीं दिखाया है, वो मैं दिखा दूंगा क्योंकि उस दिन फॉग वगैरह पड़ रही थी। आज हम क्या कर रहे हैं, अरे टोल्ड यू कि इस वीडियो में हम इस गाड़ी में 3-4 काम करने वाले हैं। तो अब सेकंड काम है इसकी ये टेल लाइट बदलना, बिकॉज यू कैन सी ये टूटी हुई है इधर की, ठीक है। तो टेल लाइट मैं ले आया हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पड़ा है डब्बा, ठीक है, नई टेल लाइट ले आया हूँ, इसको निकालते हैं, ये लगाते हैं। उसके बाद फिर और छोटे मोटे काम बचेंगे, जैसे इसका जो स्टीरियो है, या तो इसका स्टीरियो चेंज करेंगे या इसको ठीक कराएंगे। इसका डिस्प्ले नहीं आता, वैसे चल रहा है, तो वो करना है, मतलब इसको गाड़ी को अपने चलाने लायक बनाना है, चल तो रही है। और आगे प्लान हैं कि यहाँ पे या तो प्रोजेक्टर डालें या फिर इसमें 14 इंची के अलॉय डालें, मतलब कुछ थोड़ा सा गाड़ी को हैपनिंग बनाया जाए, सीट कवर एंड ऑल, बट वो सब धीरे धीरे होगा जैसे जैसे पैसे आएंगे अपने पास। तो आज इसकी टेल लाइट जो है वो चेंज करते हैं एंड होपफुली आज रात को आई विल ट्राई कि मैं आपको इसके LED जो डाली है हेडलाइट में उसका आउटपुट भी दिखा दूँ। तो कैमरा लगाते हैं और इसको चेंज करते हैं। ओके गाइस, तो लाइट खुल गई है पुरानी वाली, ये देखो। अब इसको यहाँ से थोड़ा साफ करते हैं, तब तक मैं आपको नई लाइट दिखाता हूँ। हेलो सर, कैसे हो सर? आज बढ़िया, लाइट लगा रहे अपनी गाड़ी की। सो गाइस, हियर इज द न्यू लाइट, और बल्ब लकीली इसमें साथ में आए हैं, यूजुअली आते नहीं है बट इसमें साथ में आए हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो अब इसको साफ करते हैं जगह को और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं।
later. Okay guys, so I'm inside the Micra right now. As you can see, गाड़ी start है और अब मैं आपको इसका LED का output दिखाता हूँ जो हमने इसके headlight में लगाई है. मैंने अभी mic नहीं लगाया हुआ तो आवाज़ different आ रही होगी. तो सबसे पहले मैं parking light on कर रहा हूँ. तो parking light on हुई है, बाहर आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा. अब मैं headlight on कर रहा हूँ with low beam and here it is guys. सो आउटपुट ये लो बीम का आपके सामने है, वरना जितना अभी एक्सपोजर है ना कैमरे का, अगर मैं इसको लॉक करता हूँ ऐसे तो देखो ये इतनी ब्राइट है, बट हम इसको एडजस्ट कर देते हैं. सो इन रियल लाइफ ऐसा आपको कुछ इससे थोड़ा बेटर ही आउटपुट है जो आपको कैमरे में देखने को मिल रहा है. अब मैं इसकी हाई बीम कर रहा हूँ, ये देखो ये हाई बीम है. तो हर गाड़ी का जो पैटर्न होता है ना, बीम पैटर्न, वो अलग होता है. अब जैसे माइक्रा का इस गाड़ी का है कि अब जैसे मैं हाई बीम कर रहा हूँ, पहले बाइक जाने देते हैं. हाँ तो गाइस बाइक जा चुकी है, अब मैं हाई बीम करता हूँ दोबारा से. अब देखो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्पॉट बन रहा है, तो माइक्रा का बीम पैटर्न जब इसमें हेलोजन लगे थे तब भी ऐसे ही था कि हाई बीम सामने तो जाती है प्लस थोड़ी सी रोड पे भी रहती है ताकि आपको दोनों विजिबिलिटी मिल सके. बिकॉज अब नई गाड़ियों में तो प्रोजेक्टर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि लो बीम तो रहती रहती है और हाई बीम जो है वो अलग से आपकी ऑन हो जाती है. बट माइक्रा में ऐसा क्या रहता है, अब देखो ये लो बीम है और हाई बीम करेंगे तो सामने भी एक स्पॉट बनता है. ओके गाइस, तो गाड़ी मैंने घुमा ली है और एज यू कैन सी सामने अभी ये है हाल, एंड दिस इज हेडलाइट एंड दिस इज हाई बीम. सो दिस इज द आउटपुट गाइस. बाकी एक बार आपको नॉर्मल रोड पे जाके जहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो भी दिखा देता हूँ मैं. ओके गाइस, सो एज यू कैन सी ऊपर स्ट्रीट लाइट है एंड दिस इज अ वेरी वेल लिट रोड एंड दिस इज द आउटपुट. ये हाई बीम. सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली दीज आर वेरी ब्राइट देन योर नॉर्मल हेलोजन बल्ब. अभी तो विंडशील्ड भी जो है इस गाड़ी की वो बहुत स्क्रैच्ड अप है. अगर आप बाहर से देखोगे तो आउटपुट और ज़्यादा बेटर दिखता है. जब विंडशील्ड चेंज हो जाएगी तो और ज़्यादा बेटर दिखेगा. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग. सो पीपल, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी इसका हेड यूनिट उतार दिया है, ये पड़ा. अब इसको लेके जा रहे हैं रिपेयरिंग के लिए. इसका डिस्प्ले नहीं आता, वैसे सही चल रहा है, तो देखते हैं कितना खर्चा आता है. नहीं तो अगर मन करेगा तो इसमें एंड्रॉयड स्क्रीन लगवा देंगे, फिर इसके स्पीकर भी अपग्रेड कराएंगे. लेट्स सी, पहले इसको दिखा के आते हैं. लेटर दैट सेम इवनिंग. सो गाइस, सेकंड अपग्रेड ऑन द माइक्रा. तो इसका मैंने आपको दिखाया था जो केनवुड वाला स्टीरियो था वो ख़राब था, वो भाई ठीक नहीं हुआ. तो इसमें मैंने लगवाया है ये सोनी का. तो ये लगाते हुए आपको नहीं दिखा पाया, बट हियर इट इज़. इसका मॉडल नंबर है A410BT. इसमें ब्लूटूथ, ऑक्सन, USB सब है, NFC भी है. आउटपुट अच्छा है. अब बेसिक आगे के जो इसके स्पीकर हैं वो चेंज करा रहा हूँ. वैसे पहले इसमें ये लगे हुए थे एल्पाइन के कोएक्सल, ठीक है. तो पीछे भी ये लगे हैं, तो पीछे के नहीं करा रहा अभी, सिर्फ आगे कर रहे हैं. तो आगे हम लगा रहे हैं इसमें मॉडल के ये वाले. दीज आर कॉम्पोनेंट्स विथ ट्विटर. तो ट्विटर ये है हैरी के हाथ में, ये देखो, ठीक है. और बेसिक डैम्पिंग कर रहे हैं, मतलब अंदर वाली साइड नहीं कर रहे, सिर्फ बार बार जहाँ पे स्पेस ओपन है सिर्फ वहाँ कर रहे हैं. बिल्कुल बेसिक सेटअप ताकि एक थोड़ी गाड़ी सुनने लायक टाइप हो जाए. तो मैं कहा इसको थोड़ा एक अपडेट दे देते हैं. सो हियर इट इज़ गाइज, बेसिक डैम्पिंग इज़ डन, ठीक है. स्पीकर लग गया मॉडल का, ऊपर अब ट्विटर लगना है. पुराने जो उतरे हैं वो ये पड़े हैं. तो उधर का तो डोर पैड भी लग गया, कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं. ओके पीपल, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड कल इसमें स्पीकर वगैरह फिट हो गए थे जो मैंने आपको दिखाया था. आवाज़ मैं आपको वीडियो के एंड में सुना दूंगा, ठीक है, बिकॉज अभी मुझे दूसरा फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ढूंढना पड़ेगा. तो सोनी का आइडिया लग गया था, स्पीकर आगे लग गए थे. उसके बाद नाउ आई एम बैक इन द गैरेज एज यू कैन सी. तो आज इसमें थोड़ा और काम होना है, वो भी मैं बताता हूँ. प्लस और जो इसमें चीज़ें लगी पता नहीं मैंने आपको दिखाई नहीं दिखाई. एक तो ये मैंने इसमें हैंगर्स लगवाया था. आई डोंट नो इफ आई शोड यू दिस पहले और नॉट. तो ये लगवाया इसमें बिकॉज बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता था कंपेयरिंग विद द अदर कार्स, क्योंकि सब गाड़ियों में जो दूसरी चलाता था उन सब में था, इसमें नहीं था. तो ये कोई मतलब फिक्स्ड वाला नहीं है, ये जैसे यहाँ पे रखा हुआ है जो आफ्टर मार्केट आते हैं, दिस वेरी बेसिक वन, ठीक है. और पीछे इसकी पार्सल ट्रे नहीं थी, तो पार्सल ट्रे ये देखो ये लगवा दी है. हियर इट इज. तो ये सॉलिड प्लाईवुड की है, बहुत मोटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है. तो ये भी इसमें लगवा दिए. बाकी एक बार डिक्की खोल के आपको और दिखा देता हूँ.
अब आज इसमें क्या क्या काम होना है बेसिकली बताता हूँ। अभी तक तो देखो जो हमारी जो विश लिस्ट है इस गाड़ी की, उसमें है एक तो इसकी विंडशील्ड भी चेंज होनी है, सस्पेंशन होना है, टायर एंड अलॉय, फिर इसका एक हॉर्न है, एंड लास्टली वो थोड़ा दूर का प्लान है पूरी गाड़ी रीपेंट या फिर रैप। सो वो देखेंगे कि होगा कि नहीं। पहले मैं आपको पार्ट फिल्टर ही दिखा देता हूँ। सो फिर तो पार्ट फिल्टर है जो बनवाई है, देखो इतनी मोटी है, प्लाईवुड की है, एंड दिस इज वेरी स्टिफ, तो ये बिल्कुल इसके साइज की है। अभी गाड़ी में कचरा बहुत पड़ा हुआ है तो ये सब साफ भी कर दूँ। एनीवेज अब इसमें हॉर्न जो लगे हुए हैं वो मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। सुगाई जो इसमें हॉर्न लगा हुआ है ये वाला है, और दिस वेरी वैकी हॉर्न, तो इसको चेंज करके जो ट्रम्पेट वाले आते हैं पापा वो लगाने हैं। तो अब उसको लगाने का पंगा क्या है, अगर बोनेट खोल लेते हैं। तो अब उसको लगाने पंगा क्या है, एक हॉर्न लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, एक हॉर्न लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए बम्पर खोलना पड़ेगा, विच इज़ अ पेन इन द एस टू बी ऑनेस्ट, बम्पर खोलना। तो अब देखते हैं ये काम आज होता है बाद में। तो आज गाड़ी यहाँ पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि देख रहे हो यहाँ से टायर फिर भी ठीक है, ग्रिप आपको दिख रही है, इधर वाले शॉकर में वर्स्ट थी बट अभी इधर से टायर खाना शुरू हो गई है, देख रहे हो। तो ऑब्वियसली टायरों की हालत बहुत बुरी है, बट टायर चेंज करने से पहले इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपके सस्पेंशन में कोई दिक्कत है तो पहले उसे दूर करें, वरना फिर नए टायर भी खाएगी गाड़ी। तो इसलिए पहले आज इसका सस्पेंशन खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम निकलती है, उसको ठीक करवाते हैं, एंड फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में सस्पेंशन खुलेगा, ट्राई करूँगा, अगर मन करेगा तो उसका टाइमलेस बना लेंगे, नहीं तो जब खुल जाएगा तो आपको दिखाता हूँ। गाइस दोनों शॉकर इसके खोल दिए हैं, ठीक है, और इसका कॉइल स्प्रिंग भी उतार दिया, तो वैसे तो ये ऊपर आ रहा है लेकिन ये बहुत हार्ड हुआ है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से ऊपर आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो बैड। प्लस ये वाला शॉकर जो है ये तो नितिश को उठाइए एक बार, तो नितिश काम कर रहा है इसमें, और ये शॉकर तो लीक हुआ हुआ है, देखो ऑयल आ रहा है सारा, और इसका शॉकर बैरिंग भी ख़राब है, तो वो एक बार मंगाते हैं, तब तक हम बम्पर खोलते हैं, इसका हॉर्न वॉर्न लगाते हैं। ओके गाइस, तो इसके नए शॉकर आ गए हैं, एंड ये मेरा फेवरेट आफ्टर मार्केट ब्रांड है मुनरो, तो इसी के मंगवाए हैं, जेन्युइन भी मिल रहे थे, बट अगेन गाड़ी इतने साल, चार साल बचे हैं इसके, चार साल ये इजीली चल जाएंगे, तो मैं अगर जेन्युइन में क्यों पैसे एक्स्ट्रा देने, तो मुनरो मंगा लिए हैं, एक ये रहा एक वो पड़ा है, तो इन्हें अब लगाते हैं, नितिश रेडी बैठा हुआ है, तो इसको खोलते हैं, लगाते हैं और इसका टाइम लैप्स शुरू कर लेते हैं। और ये मोंटी देखो वहाँ से क्या कर रहा है।
भाई लोग अब ये खोला है राइट वाला शॉकर, इसका कॉइल ये उतार लिया है। इसका एक तो देखो पूरा बूट जो है चीथड़े हुए निकला है, ठीक है, ये पूरा फटा पड़ा है। प्लस ये शॉकर जो लीक था ये वो वाला है। हाँ दबा, देखो इसको दबाते हैं तो ये ऊपर भी नहीं आ रहा, छोड़ दे पूरा दबा नीचे, देखो अंगूठे से दब रहा है, छोड़ दे यहाँ पर, देखो ये ऊपर भी नहीं आ रहा। तो राइट का तो ख़त्म ही था, लेफ्ट में भी आवाज़ थी, तो लेफ्ट का तो लग गया है एज़ यू सॉ इन द टाइम लैप्स। प्लस मैंने इसका हॉर्न तो खुद ही लगा दिया था, वो भी आपने टाइम लैप्स में देख लिया होगा, अभी बजा के दिखा दूंगा। तो अब राइट का चेंज करते हैं, वो पड़ा है पीछे नए वाला, उठा ले वो। तो ये लगाते हैं अब, ये देखो ये है नए वाला, क्या मज़े से ऊपर आ रहा है। तो ऐसे आ जाए, अगर ज़्यादा जल्दी आ रहा है तो भी दिक्कत है, लेट आ रहा है तो भी दिक्कत है, इसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, ये उसी पे ही ऊपर आना चाहिए। ज़्यादा हार्ड दब रहा है तो भी दिक्कत है। तो जो लेफ्ट वाला था ना, जो ये वाला, ये ज़्यादा हार्ड हुआ है। ये देखो कितना जोर लगाने पे भी ये नीचे नहीं जा रहा। एनीवेज इसको लगाते हैं। तो गाइस गाड़ी लेके निकल गया हूँ मैं बाहर, और ये डिज़ायर वाले भाई साहब। एनीवेज तो मैं बोल रहा था शॉकर डल गए हैं, काम हो गया है, अब इसकी अलाइनमेंट करानी है, बिकॉज स्टेयरिंग आउट हो चुका है, ये शॉकर डलने के बाद हो ही जाता है। देखो स्टेयरिंग मेरे को यहाँ रखना पड़ रहा है, कितना टेढ़ा है, और गाड़ी भी सीधी चल रही है ऑलमोस्ट। तो ये बाकी हॉर्न लग गया ना, वो भी सुना देता हूँ, बहुत ही करा रहा है, अभी तो शीशे बंद हैं तो इतनी आवाज़ आ रही है, बाहर तो और बेटर आ रही होगी। तो अलाइनमेंट कराते हैं, ठीक है, देखो इतना टेढ़ा है स्टेयरिंग। उसके बाद जब गाड़ी थोड़े दिन सही चलेगी फिर इसके टायर नए डलवाएंगे, देखेंगे अगर बजट होगा तो अलॉयज भी डलवाएंगे, नहीं तो फिर भाई सिर्फ टायर का जुगाड़ करेंगे। अभी तो विंडशील्ड भी चेंज नहीं हुई यार, बहुत खर्चा हो रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है। ओके गाइस, तो अब मैं चला रहा हूँ सॉन्ग, ठीक है, मैंने अब माइक उतार दिया बिकॉज तभी प्रॉपरली आवाज़ सुनाई देगी। प्लस अगेन एक फ़ोन में एक वीडियो में आप कभी भी जस्टिस नहीं कर सकते जो एक्चुअल में साउंड आती है। प्लस अभी इसमें कोई सब वूफर नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत फ्लैट बजेगा, मतलब हो सकता है वीडियो में आपको बेस आए ना आए, आई डोंट नो, बट यूजुअली से भी ये फ्लैट बज रहा है बिकॉज दीज आर स्पीकर आर नॉट मेंट फॉर बेस, उसके लिए सब वूफर होता है, ये मिड बेस होते हैं या मिड रेंज बोल सकते हैं, जो वोकल्स और एक ड्रम लेवल की बीट दे सकते हैं बट नॉट प्रॉपर बेस। तो एनीवेज अब गाना मैं प्ले कर देता हूँ। सो गाइस आई हैव जस्ट हर्ड द म्यूजिक, अब मुझे नहीं पता कि वीडियो में आवाज़ कैसी आई है कैसी नहीं आई, एंड द बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आवाज़ पूरी ऊपर ले जाने पे भी आवाज़ फटती नहीं है, डिस्टॉर्ट नहीं होती, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगेन आई नो पता नहीं वीडियो में पता लग रहा है कि काफ़ी फ्लैट बज रहा है, उतना बेस ही नहीं है, बिकॉज अगेन ये स्पीकर उस चीज़ के लिए आई नहीं, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए बहुत अलग लेवल के स्पीकर आते हैं और आपका हेड यूनिट भी बहुत अलग लेवल का होना चाहिए। इसमें एक बेसिक गाने बज रहे हैं, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ रही है, सराउंड अच्छा है, ट्विटर्स अच्छे हैं, मिड बेस अच्छा आ रहा है, बेस उतना नहीं है बिकॉज बेस के लिए बने नहीं, बट माय कार डज नीड अ सब वूफर, इसमें एक वूफर ज़रूर लगाना है, वो आगे प्लान करेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार
काम गिनने, तो मुझे कभी याद भी नहीं है वीडियो मैंने कहाँ शुरू करी थी और क्या क्या काम हो गए हैं। आई थिंक टेल लाइट से शुरू करी थी, तो मैं एक बार वो गिन लेता हूँ और गिन के क्या क्या टोटल कितना खर्चा हुआ है वो हिसाब करके मैं आपको कल मिलता हूँ। बट आपके लिए एक सेकंड में और फिर बताता हूँ कि टोटल कितना खर्चा हुआ है। ओके गाइस, सो दिस अपडेट इज आफ्टर 2-3 डेज। मुझे 2-3 दिन लग गए ये बना के वीडियो एंड करने में, एज यू नो हाउ लेजी आई एम। तो गाइस, गाड़ी में टोटल खर्चा हुआ है दैट इज अराउंड 33,000-34,000 रुपीज। जो भी है सारा काम हुआ तो काफी खर्चा हो गया। तो स्टार्टिंग में टेल लाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास है, कभी 1200 हो जाता है रेट, कभी 1600 हो जाता है, वो वेरी करता रहता है। तो एक प्रॉस 1400-1500 मान के चलो, ठीक है। उसके बाद जो सस्पेंशन का काम हुआ उसका एक आप मान लो 77-7800, जो शॉकर लगे, रबर के बूट लगे, लेबर एंड ऑल। गाड़ी खुद की है, मैंने खुद भी काम किया है, तो लेबर अपनी तो नहीं लगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपका भी ऐसा काम हो इस लेवल की गाड़ी का तो इतना खर्चा आ जाता है। उसके बाद जो हमने ऑडियो अपग्रेड किया जिसमें हेड यूनिट लगा और कंपोनेंट्स लगे, उसका खर्चा मान के चलो लगभग 14,000 रुपये, और एक डैम्पिंग की शीट भी लगी थी तो लगभग 14,000 मान के चलो। अगेन थोड़े प्राइसेस वेरी करते रहते हैं। और क्या लगा, हॉर्न लगा था, 1,000 रुपये का हॉर्न है, ठीक है। एंड इसमें जो LED लगी है हेडलाइट में वो है 7500 की। एंड हम अब आप बोलोगे कि वो महंगी है या इससे बहुत सस्ती मिल जाती हैं। गाइस, सस्ती मिल जाती हैं, नो डाउट। मैंने सब कंपेयर करके देख लिया बिकॉज अपना तो यही काम है। अजूम है और बहुत से ब्रांड हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा आउटपुट है, लेकिन सबसे बेस्ट आउटपुट जो मुझे पर्सनली लगता है वो इसका लगता है फिलहाल। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। इस LED में वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं, कभी किसी LED में यू नो 20-30 पीस में से कोई एक में दिक्कत आती है तो हैंड टू हैंड इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आपने अब आप कैलकुलेट कर लो, 7500 तो यही हो गए LED के, और लगभग 14,000 ऑडियो अपग्रेड के हैं, 7,500-8,000 रुपये सस्पेंशन के हैं, पीछे की लाइट है, फिर आर्मरेस्ट है, सो हॉर्न है, कुल मिला के 33,000-34,000 रुपये इसमें लग गया है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालेंगे, इसकी जो विंडस्क्रीन है वो भी चेंज होनी है और भी इसमें काम बहुत करना है अभी आगे। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वारी हो पुट इन द कमेंट्स डाउन बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।